दिस इज एमिली। आओ लग गया मेरे को। ओके क्या हाल है? सो गाइस टुडे आई एम गोइंग टू रिएक्ट ऑन द म्यूजिक वीडियो ऑफ मिलन काबा एंड द सॉन्ग इज मेरी बारी। ओ माय गॉड, मैंने कभी मिलन काबा के कोई गाने नहीं सुने, सो इट्स द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू लिसन टू हिम। एंड सिंस लाइक ऑलमोस्ट इट हैज बीन ओनली 30 to 35 minutes, सो लेट्स वॉच द सॉन्ग गाइस, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करके। सो लेट्स वॉच द सॉन्ग लेट्स वॉच द सॉन्ग। एंड वाओ, आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय द कवर ऑफ द सॉन्ग एंड इट्स रियली नाइस। मुझे भी ऐसे फोटो चाहिए। सुनने वाले लोग हैं और ये चीज बेसिकली उनके लिए जिनको लगता है कि उनका टाइम नहीं आ रहा, वो मेहनत कर जा रहे हैं। टाइम आएगा, टाइम कहाँ जाएगा, इंशाल्लाह आएगा। मेरा है तो आपका भी आएगा। सुनिए, मत्था खराब कभी कभी होता है, दिल साला छोटा कभी कभी रोता है, आंखें हैं भरी उम्मीदों से आज भी, पटांगे साली बड़ी बड़ी, पेट साला छोटा है, नींद गायब पता नहीं कब से, स्ट्रगल कब तक पूछूं मैं रब से, लाखों की भीड़ को मैं चीर के आऊं चौपर से स्टेज पे, ये सपने देख रहा तब से, भेजे को अपने मैं चिल रखता हूं, मैं अधमरा नहीं पूरा किल करता हूं, लोग भले ही बोले बेटे फेसबुक पे आके, मैं तो काम से फाड़ने का स्किल रखता हूं, अपने म्यूजिक का पब्लिक को ओवरलोड दूंगा, गाने वाने कर मैं एक्सप्लोर दूंगा, सड़ने वालों की कब्रें मैं खुद खोद दूंगा। Wow, hats off, मतलब ये पूरा लिरिक्स जो था, आई रियली नीडेड दिस फॉर टुडे। और मतलब कल आई वॉज अ बिट अपसेट क्योंकि मैंने एक वीडियो अपलोड की थी और वहाँ पे एक व्यूअर ने कुछ कमेंट किया, बहुत गंदा कमेंट किया एंड आई रियली डिडंट लाइक इट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पर यू नो आई गेस रिप्लाई देने से उनको ज़्यादा कुछ होगा नहीं और लोगों की सोच है तो आप कभी इसको मतलब ये नहीं कर पाओगे, चेंज नहीं कर पाओगे अगर वो खुद नहीं चेंज करना चाहते। सो
फर्स्ट ऑफ ऑल मिलन गाबा, आपकी सॉन्ग, आपके लिरिक्स जो है इज सुपर 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 अमेजिंग. हैट्स ऑफ, लाइक इट्स लाइक बहुत हार्ड ऐसा. एंड यू नो आई एम नॉट दैट इन टू रैप, बट यू नो लिसनिंग टू ऑल दिस काइंड ऑफ songs and this kind of raps, it's really awesome, it's really amazing. And I want to congratulate you, and this is from T-Series. So guys, oh my god, कितना अच्छा है. आज 20 दिसंबर है और कुछ ही दिन बाकी है फॉर दिस ईयर टू एंड. एंड यू नो सॉन्ग्स लाइक दिस आर लिटरली रिक्वायर्ड. और जस्ट इन 11 डेज हम लोग एंटर करने जा रहे हैं 2020. सो वाई नॉट जस्ट यू नो कीप ऑल दिस नेगेटिविटी aside and work hard towards our dreams, our opportunities that we get, and just grab it and work hard on it. Because you know, ये सब opportunities, ये time जो है, ये हम लोगों को नहीं मिलेगा. और in the end, जब मिलन काबा was like, मेरी बारी तो आ गई, आपकी बारी भी आएगी, and hustle hard. So actually, you know, we should hustle hard. I just hope that you know we all get what we want in 2020 and 2021, or you know whenever it's possible, just work hard and work hard. So ye mere liye to bahut hi acha tha. I would say it's like 10 on 10 for me, and aapka pata nahi, but I really needed this kyunki you know I am daily unwell. Mera jo pair hai, as you have seen, it's that not that good, and shayad mujhe doctor ke paas bhi jana pade, par you know I'm still working hard to put up this videos, and I hope you guys like this videos, and guys please like this videos. So yehi bolna chahti hu main, I mean just stay motivated, just stay focused. Ek din mein ya ek month mein ya ek year mein aapka kuch hone nahi wala. So you know just work hard, and you know aap aapka goal pe reach kar jaoge. That's what my mom, my dad, my elder sister Urmidi, who also has a YouTube channel, so un taught me this, and she's a photographer, and unko jab main dekhti hu, she's so very inspirational, you guys. And you know she works hard, she works so freaking hard, and she takes a lot to herself and to her soul, yet she is like working hard and always staying focused on that. So salute to my elder sister Urmidi, Urmidi the photographer. So yeah, so that's what I wanted to say, and just stay focused, stay motivated, hustle hard, and after you reach your goal, we are all going to say both hard. So it's like that. So okay, so I hope you guys like it. So that was my reaction on Meri Bari, and this song is, I guess, is also related to the song of Gully Boy, jo release kiya gaya tha, you know, अपना time आएगा. So that it's like that only, and I hope that it gets that much of craze, and because this song is really nice, the lyrics are really nice. यहाँ पे कोई harsh, कोई common मतलब language नहीं use किया गया, so it's really nice. So watch the song, I'll put the link in the description box of the original song. So yeah, if you like this video guys, please do like this video, please do subscribe to my channel, I really need your support guys. And also one more thing is that please comment down below about how you felt about this entire video. 11 days hi baki hai guys, skip all this negative vibes, skip all this like you know ganda wala feeling jo hota hai aapke paas, and just you know work hard and achieve your dream, achieve your goal, and just pray to god that whatever you have, your privileged सबके पास ये चीज़ भी नहीं होते, एंड स्टिल दे आर हैप्पी. सो यही सोच के जस्ट वर्क हार्ड एंड एवरीथिंग इज गोना बी फाइन. एंड या ऑल द बेस्ट टू एवरीवन हु इज़ वर्किंग सो हार्ड. एंड या सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से. सो बहुत कुछ बोल रही हूँ आज मैं. या दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो. सो आई होप यू गाइस लाइक इट, एंड या दिस इज़ दैट फैट गर्ल. बाय, एज ऑलवेज हैव अ ग्रेट डे.